हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। पहली वीडियो में हम कर चुके हैं कि इंटरनेट क्या होता है और उसके यूजेस क्या हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, पहली बार इंटरनेट को कहाँ यूज़ किया गया और किस पर्पज़ से किया गया। तो पहली बार कहाँ किया गया था, 1969 में US डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, एक एजेंसी थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, अर्पा। तो इन्होंने क्या किया था कि रिसर्च पर्पज से किसके एरिया में, डिफेंस के एरिया में, मतलब कि डिफेंस से रिलेटेड ये कुछ रिसर्च करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इंटरनेट सेटअप किया था। इन्होंने क्या किया था, 4 कंप्यूटर का यूज़ करके, मतलब 4 कंप्यूटर का यूज़ करके सेटअप किया था। एक कंप्यूटर कहाँ था, कैलिफोर्निया में था, और बाकी 3 कहाँ थे, उताह में। इसको क्या बोला गया था, जो इन्होंने नेटवर्क सेटअप किया था इसको क्या बोला गया, अप्रानेट। अप्रानेट की फुल फॉर्म क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इन्होंने बाद में क्या कर दिया था, जो डिपार्टमेंट था डिफेंस, अलो कर दिया था यूनिवर्सिटीज़ को कि ये उनके नेटवर्क को क्या करें, ज्वाइन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज डाटा एंड मैसेजेस ऑन इट। कि जो डिफेंस यूनिवर्सिटी थी उसको क्या किया, इन्होंने अलो कर दिया क्या करने के लिए, कि ये अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और डाटा और मैसेज को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या, मिड 80s में अनदर फेडरल एजेंसी, मतलब कि एक दूसरी एजेंसी आई जिसने क्या किया, जिसका क्या नाम था, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसने भी क्या किया, इसने हाई कैपेसिटी नेटवर्क सेटअप किया, जिसको क्या बोला गया, NSF नेट, मीन्स नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट। ये क्या था, मोर कैपेबल, मतलब कि जो अपरा नेट था उससे, अर्पा नेट था जो उससे ज़्यादा कैपेबल था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ अलो किया था एकेडमिक रिसर्च, मतलब कि एकेडमिक रिसर्च के बारे में रिसर्च के लिए इन्होंने इस नेटवर्क को सेटअप किया था। तो NSF ने क्या किया था, सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के लिए इस नेटवर्क को तैयार किया था। इन्होंने क्या किया, नॉट एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस ओनली, मतलब इन्होंने इस नेटवर्क के थ्रू कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं किया। सो मैनी प्राइवेट कंपनीज देयर ओन नेटवर्क, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने अपना नेटवर्क जो है तैयार किया, टू कैटर द एक्टिविटी, मतलब कि बिजनेस के लिए, विच वर नॉट अलाउड ऑन NSF, मतलब कि जो NSF नेट में अलाउड नहीं किया गया था, इसके लिए इन्होंने अलग अलग जो प्राइवेट कंपनी थी इन्होंने अपना अपना एक नेटवर्क तैयार किया। इन 1990s, मतलब 90 के दशक में क्या किया था, जो इंटरनेट वर्किंग ऑफ अपरानेट, मतलब कि जो अपरानेट थी और NSF नेट थी, इसने मिलके एक नेटवर्क तैयार किया, उसी को क्या बोला गया, इंटरनेट। पहले तो क्या किया था, इन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट तैयार किए थे अपने यूजेस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन बाद में क्या किया, अपरानेट और NSF नेट ने मिलकर एक नेटवर्क तैयार किया जिसको क्या बोला गया, इंटरनेट। तो ये क्या थी, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।